चुके हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ हो चुका है, सुपरिटेंडेंट्स, मेडिकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्लस मैजिस्ट्रेट्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, और इन सब के लिए हम लोगों ने जो है मूवमेंट के लिए व्हीकल्स भी हमने हायर की हैं, प्लस 638 इन्विजिलेटर्स को स्पेशली अपॉइंट किया गया है। और फिस्किंग के लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है हर सेंटर पर दो रहेंगे, जो फीमेल स्टाफ को या फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फिस्किंग के लिए रहेंगे। दूसरा डिप्लॉयमेंट प्लान भी इन प्लेस है इन कंसल्टेशन विद एसएसपी अनंतनाग, और कल जो है 12 से 2 का इसका टाइम है, और कल जो हमारा जो सारा स्टडी एग्जामिनेशन मटेरियल है वो भी इन टाइम कल सेंटर से पहुंच जाएगा, जिसके भी डिप्लॉयमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी इन प्लेस है। प्लस पर्सनली हमारे एडीसी साहब शेख साहब इस चीज़ को पर्सनली देख रहे हैं, और सभी सेंटर्स को उन्होंने पर्सनली विजिट भी किया है, तो कोविड के लिहाज से जो सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए था वो भी इन प्लेस है, और जो मार्किंग है या जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है वो सारा हो चुका है, और जितने भी सेंटर्स है दे आर ऑलरेडी एंड द स्टाफ इज ऑलरेडी फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। आपके हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कैंडिडेट्स को कि वो हमारी तरफ से एक तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी, वो जरूर आपको अपना फल देगी। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या ब्लूटूथ आइटम्स हैं, जो फॉरबिडन आइटम्स हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनको अपने साथ ना ले जाएं, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहुंचे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां के जो मेडिकल से जो आपके एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं तो उनकी नोटिस में लाएं, और जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं इवन हमारे जो बीएमओ हैं उनको भी हमने रैपिड जो मेडिकल अटेंशन के लिए वहां पर रखा है कि दे विल बी कॉल अवे। और जितने भी कैंडिडेट जब वो बैठेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर से प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ बैठेंगे, और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सहूलियत चाहिए थी रिक्रूटमेंट बोर्ड को, हमने इन प्लेस रखी है राइट फ्रॉम अरेंजमेंट्स टिल जो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ। क्या सर कोविड के हवाले से नेगेटिव सर्टिफिकेट होना लाजमी है वहाँ पे, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे, क्या वो एग्जाम दे सकते? देखिए कोविड के लिहाज से सबसे बड़ी एक अहम चीज़ होती है SOP, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग में अगर वो बैठे रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है सिम्प्टोमेटिक है तो उसको एग्जामिनेशन में नहीं बैठा दिया जाएगा। सर क्या स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर साफ लाना है हर एक स्टूडेंट? नहीं नहीं, हर एक सेंटर के ऊपर हमने मास्क का हैंड सैनिटाइजर्स का इंतजाम रखा गया है, और इवन जो वॉशिंग के लिए जो सोप्स एंड लिक्विड सोप्स वो भी रखे हैं, तो नो स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ थिंग। मगर अगर मास्क अगर पहन के आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जब उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये जो एग्जामिनेशन जो सुपरिटेंडेंट्स हैं जब वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके बाद वो मास्क पहन के दे कैन टेक देयर एग्जामिनेशन। और हमने हर सेंटर पे एडिक्वेट अरेंजमेंट्स रखे हैं कोविड के हवाले से भी और मास्क और सैनिटाइजर के हवाले से। ठीक सर, थैंक यू।